हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल A to Z ऑनलाइन। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट फोटो साइज कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर जो आपको अपना फ़ोटो ऑनलाइन करना पड़ जाए किसी फॉर्म भरने के लिए, और अगर जो आप लोगों को पासपोर्ट फ़ोटो नहीं बनाना आता होगा, तो उस वक्त आप लोगों को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक देखते रहिए, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए यहां से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ दोस्तों, अगर जब अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, ताकि आगे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा, और हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं इस ऐप का लिंक। आप वहाँ से इसको डाउनलोड बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन जैसे ही कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको इसको डिलीट कर देना है। इसको जैसे ही डिलीट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको इमेज साइज को यहाँ से 413x531, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान में रहेगा तो आप किसी भी ऐप से आप अपना पासपोर्ट फोटो साइज बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। इसको ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसके जो बगल वाले आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको कलर्स पे क्लिक कर देना है। कलर्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना बैकग्राउंड कोई भी कलर्स रख सकते हैं, यहाँ से व्हाइट और ब्लू ज़्यादा चलता है, तो हम यहाँ से व्हाइट ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको फ्रॉम पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपने गैलरी में चले आइएगा, और यहाँ से आप अपना कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो यही फ़ोटो हम थंबनेल में बताए हुए हैं, इसीलिए यही फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इसको क्रॉप कुछ इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही राइट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ से इसको फ़ोटो को हल्का कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप लोग रख लीजिएगा। और यहाँ से हम इसको हल्का चौलाई पे भी आप लोगों को यहाँ से इसको बढ़ा देना होगा। यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से फ़ोटो क्रॉप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसको इनेबल कर देना, और यहाँ से आपको ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना 6 रख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसके बगल में देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशन, तो यहाँ से आपको इस पे क्लिक कर देना, और इसको बीचों बीच आपको यहाँ से पूरा सेट कर देना है। इसको बीचों बीच सेट कर देने के बाद यहाँ से आपको इसको सेव करने के लिए इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करके सेव एस इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से जो आपको कस्टम है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है, और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। सेव टू गैलरी पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ जो फोटो है सो आपका गैलरी में सेव हो चुका है। यही पासपोर्ट फोटो साइज रहता है, तो ये फोटो अब आप लोगों का बन चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।